चर्चित भंवरी देवी अपहरण और हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश, एक साल में पूरा हो ट्रायल, सीबीआई की याचिका निस्तारित करने के दौरान दिया आदेश। राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, निजी मुकदमा लंबित होने पर पेंशन और ग्रेच्युटी जैसे दूसरे परिलाभ नहीं रोके जा सकते, फैसले से कई सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को हो सकता है फायदा। पूर्व आईएएस अधिकारी जीएस संधू 25 मई तक न्यायिक हिरासत में, कल होगी जमानत पर सुनवाई। एकल पट्टा मामले में एसीबी को थी तलाश, रिटायरमेंट के बाद से लापता चल रहे थे संधू। कोटा के कैलाशपुरी इलाके में सड़कों पर उतरे हिंदू संगठन, न्यास की जमीन पर अतिक्रमण के खिलाफ लोगों में है गुस्सा, ट्रेन को रोककर जताया विरोध, तनाव पैदा करने वालों की गिरफ्तारी की मांग। बूंदी में मंडी रोड पर लोगों ने मकान तोड़ने के विरोध में किया जोरदार प्रदर्शन, लोगों ने पुलिस पर लगाया मारपीट और धक्का मुक्की का आरोप, पुलिस ने किया आरोपों से इनकार। बीकानेर में पानी की समस्या को लेकर महिलाओं का हल्ला बोल, जलदाय विभाग के एईएन को भी बिठाया टंकी पर, सर्वोदय बस्ती में पेयजल की किल्लत से लोगों में आक्रोश, पुलिस जाब्ते को बुलाया गया मौके पर। हनुमानगढ़ के नोहर में मां बेटी की हत्या से सनसनी, नोहर के परलीका गांव में बीती रात अज्ञात लोगों ने की हत्या, पुलिस कर रही है मामले की तहकीकात। जोधपुर वर्कशॉप में तैयार देश की पहली फुल सोलर ट्रेन, रेलवे ने जोधपुर वर्कशॉप को दिया था 1,95,00,000 रुपए का पायलट प्रोजेक्ट, ट्रेन चलने से सालाना होगी 48,00,000 रुपए की बचत। रियो ओलंपिक से रेसलर सुशील कुमार का बाहर होना लगभग तय, 74 किलो की कैटेगरी में नरसिंह यादव ने मिसेस प्रीति जिंटा और गुड इनफ का कल मुंबई में वेडिंग रिसेप्शन, इस ग्रैंड इवेंट की तैयारियां जोरों शोरों से हुई शुरू, शादी के बाद प्रीति पहली बार अपने बेटर हाफ के साथ आएंगी नजर।